नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा चलने वाले लोन्स हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, इनमें जो इंडिया के जो टॉप 5 बैंक है वो क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इसको दे रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं होम लोन, जो कि सबसे ज़्यादा चलता है। अगर होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे, SBI, HDFC, ICICI बैंक, तीनों में 6.95 है, जो कि लोएस्ट है। फिर उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 25 लाख तक के लोन के लिए सैलरीड क्लास है, और अगर आपका सिविल में कोई डिफॉल्ट नहीं है तो। अब आते हैं पर्सनल लोन के बारे में कि पर्सनल लोन पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है। पर्सनल लोन में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI देता है 9.6%, फिर उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 9.65, फिर उसके बाद बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा 10.5, फिर HDFC, और सबसे महंगा है ICICI बैंक। अब इसके बाद देख लेते हैं कार लोन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है अलग अलग बैंकों में। कार लोन में पंजाब नेशनल बैंक सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है 7.40, फिर उसके बाद SBI 7.50, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर HDFC और ICICI सबसे महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए अगर यदि आपका सिविल में कोई भी डिफॉल्ट नहीं है तो। अब हम दे बात कर लेते हैं गोल्ड लोन की, गोल्ड लोन पर क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। गोल्ड लोन में भी SBI सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन देगा 7.5% पे, फिर उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, फिर HDFC, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा और फिर ICICI बैंक। और ये सब तब है अगर यदि आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है तो। गोल्ड लोन के अंदर आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखनी है। अब बात कर लेते हैं मुद्रा लोन की। मुद्रा लोन जनरली 10 लाख तक के लोन होते हैं, जो कि बिना किसी कोलाटरल के दिए जाते हैं, और यह प्रधानमंत्री द्वारा शुरू करी गई योजना थी। आइए हम इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। मुद्रा लोन में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक देता है 9.60, फिर उसके बाद SBI 10.15, ICICI 11.49, HDFC रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करी है उसने अपनी वेबसाइट पर, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा MCLR प्लस SP प्लस 0.7%। SP कोई स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग है, जो बैंक की स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा की कुछ इंटरनल स्प्रेड है जो कि बदलती रहती है, और इनकी वेबसाइट पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि अभी अगस्त महीने में SP कितनी चल रही है। आप जब भी कोई लोन लेने जाते हैं तो जनरली होता है क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहती है, वो उसमें कोई नेगोशिएशन करने के बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक में कहीं अप्लाई करते हैं तो आप अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगोशिएट कर सकते हैं। कई बार क्या रहता है कि जो कंसेशन का जो पावर रहता है वो हायर अथॉरिटी में रहता है, और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में जनरली वो लोग, अगर यदि आपके कार लोन अच्छा है, आप पर्सनल लोन 10 लाख से ऊपर का ले रहे हैं, तो शायद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1% 2% तक की और वो कंसेशन दिला सकते हैं। तो जब भी आप प्राइवेट बैंक में जाए तो कृपया अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगोशिएट करें, जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या ब्रांच मैनेजर से, आपको इसका फायदा ही मिलेगा। मैंने ये जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ली है ये सब मैंने जो पांचों बैंकों की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जो इन्होंने रेट कोट कर रखी है वो ली है। हो सकता है टाइम के साथ ये चेंज होने लगे, और हो सकता है कि कई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने खुद ने अपडेट नहीं करी हो अपने सिस्टम पे, तो इस तरह की थोड़ी बहुत गलतियां शायद इसमें हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें मेरा वीडियो।